ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल टिकट को लेकर। तत्काल टिकट बुक करते समय हम लोग क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि IRCTC की वेबसाइट से प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग भी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं, तो आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल सलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करना होता है तो आप लोगों के दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट में आप IRCTC वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो तत्काल टिकट बुक करते हैं वो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से यूज करते हैं। यदि आप IRCTC वेबसाइट से यदि तत्काल टिकट बुक करते हैं, काफ़ी तेज़ी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि IRCTC के वेबसाइट पे एरर काफ़ी कम आता है, लेकिन IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में एरर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए IRCTC की वेबसाइट से ही बुक करें। लेकिन यदि IRCTC की वेबसाइट से फिलहाल में यदि तत्काल टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आप मास्टर लिस्ट नहीं ऐड कर सकते। तो आप यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की हेल्प से आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मास्टर लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं। IRCTC वेबसाइट यूज करना है या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यूज करें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप लोग मास्टर लिस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो आप लोग गलती करते हैं, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपके जिस मोबाइल फ़ोन से आप तत्काल टिकट बुक करते हैं उसका बैटरी है कम से कम 50-60% चार्ज होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या गलती करते हैं, कभी कभी 10-15% बैटरी चार्ज होता है, उसी मोबाइल फ़ोन से तत्काल टिकट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल जो होता है हमारा हैंग प्रोसेस में आ जाता है, इसकी वजह से हमारा मोबाइल जो है स्लो हो जाता है और तत्काल टिकट टाइम काफ़ी ज़्यादा हैंग भी करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, इसकी वजह से भी हम तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए बैटरी फुल चार्ज हो, यानी 50-60% प्लस ही हो। इसके बाद जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो क्या होता है, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को आपको सेटिंग में जाना है और वहां से आपको क्लियर कैच कर लेना है। यदि आप क्लियर कैच नहीं करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप भी स्लो हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि क्लियर कैच कर लेना है। इसके बाद जब आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए को बैठते हैं तो आप लोगों को मास्टर लिस्ट कर लेना है IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप में। कुछ लोग ऐसा करते हैं 10 से 15 मिनट पहले मास्टर लिस्ट करता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 घंटा पहले ही आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में मास्टर लिस्ट कर लेना है, तब आप तत्काल टिकट काफ़ी तेज़ी से बुक कर सकते हैं। और मास्टर लिस्ट में जब आप पैसेंजर डिटेल फिल करते हैं तो वहाँ बर्थ नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग लोअर बर्थ मिडिल बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मान लो कि आपने लोअर बर्थ सेलेक्ट किए, लोअर बर्थ सीट नहीं अवेलेबल है, तो इस स्थिति में आपको जो है प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि बर्थ सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जब ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा ट्रेन टिकट हम जब भी बुक करेंगे तो 1 PNR में 4 पैसेंजर डिटेल हम फिल कर सकते हैं, यानी कि 4 नाम एक साथ तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट दूंगा, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो 1 से 2 नाम बुक करें, क्योंकि यदि आप 1 से 2 नाम बुक करेंगे तो आपको 30 से 40 सेकेंड आपको प्रोसेस में लग जाता है, और यदि 3 से 4 नाम होते हैं तो 40 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक प्रोसेस में लग जाता है। तो यहाँ पे 20-25 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए यदि आप 1 नाम 2 नाम में तत्काल टिकट बुक करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से आपका बुक हो सकता है। और जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोग कोशिश करें वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड यूज करें, और उसका स्पीड जो है कम से कम 15 से 20 MBPS होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ही तत्काल टिकट बुक करते हैं और इसी नेटवर्क से ही तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड यूज करें, और आप लोगों को फ्री वाईफाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग करते क्या है, फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और तत्काल टिकट बुक करने बैठ जाते हैं, तो फ्री वाईफाई बिल्कुल मत यूज कीजिए तत्काल टिकट बुक करते टाइम। इसके बाद आपको लॉगिन किस टाइम करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक कर देंगे तो आपको 2 मिनट पहले लॉगिन करना है, 10:58 के आसपास लॉगिन करना है। यदि आप इससे पहले करते हैं तो आपका पेज जो है लॉग आउट भी हो सकता है। इसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी फिलहाल में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है फ़ोन पे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकेंड में आता है पेटीएम, और थर्ड में आता है IRCTC iPay।
यहाँ पे आपको मैं तीन पेमेंट ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है फोन पे है। फोन पे से बिल्कुल आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं, काफी काफी फास्ट जो है फोन पे पेमेंट लेता है। ये सब सारा प्रोसेस आप सही तरीके से करते हैं, इसके बाद यदि तत्काल टिकट आप बुक नहीं कर पाते हैं तो ये आपको रूट की प्रॉब्लम हो सकता है, यानी जिस रूट में आप टिकट बुक कर सकते हैं उस रूट में कुछ ज़्यादा ही कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगा, इसकी वजह से आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते होंगे। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 दिन लगातार ट्राई करना है तो आप बिल्कुल आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि तत्काल टिकट आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप काउंटर की हेल्प ले सकते हैं। यदि काउंटर से अगर तत्काल टिकट बुक कराते हैं तो आपको 100% बुक हो जाएंगे, क्योंकि काउंटर का जो सर्वर जो होता है वो एक अलग सर्वर होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से तत्काल टिकट बुक होता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।